बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो आज की ये जो वीडियो है ये है मेरे मोहम्मद के बारे में कि मैंने उसको स्कूल में जो स्कूल में एडमिशन करवाया था तो उधर से इसका रिज़ल्ट आ गया है मोहम्मद का। तो मोहम्मद सिर्फ 2 माह में जो मोहम्मद की परफॉर्मेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपने बेटे की परफॉर्मेंस कि कैसी थी। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि जो मेरा बेटा है वो उसने बहुत ही अच्छे माशाल्लाह ग्रेड जो है उसने लिए है। जी तो सबसे पहले अकाउंटेंट सर्कल द करेक्ट नंबर, तो ये बच्चे को वर्कशीट उनके स्कूल में जो है फर्स्ट डे से करवानी स्टार्ट की गई थी क्योंकि मोहम्मद को अभी कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने 2 माह में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पिक किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये उनकी वीकली जो है वर्कशीट लगती थी, ये वर्कशीट उन्होंने दी है और ये ऊपर लिखा होगा देखें 4 out of 10, क्योंकि इसमें 4 मोहम्मद के मार्क्स इसलिए आए हैं, ये इसकी सेकंड थी मोहम्मद की, ये देखिए 19 नवंबर को हुई है 2019 को। हाँ तो ये वर्कशीट तब हेल्ड की गई थी, तो ये है इसलिए इसके मार्क्स कम आए क्योंकि इसने ये जो है डॉट के ऊपर ना परफेक्टली जो है इसने राइट नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा फिर भी क्योंकि जैसे ये गए थे फिर भी बहुत अच्छा है। अब ये देखें ये 5 दिसंबर को है, ये 5 दिसंबर किसकी वर्कशीट है मोहम्मद की, ये ऊपर टीचर ने मार्क्स भी दिए हुए हैं गुड एफर्ट, तो ए कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट में और एंड ए से एंड। अच्छा तो ये इसमें उन्होंने मिस्टेक की भी है, लेकिन मोहम्मद की जो माशाल्लाह डे बाय डे बहुत ही अच्छा इन्होंने पिक किया है। और ये देखें ये इनकी है 10 out of 5 इसमें है मोहम्मद के, ये कब की हेल्ड की गई है, ये ऊपर डेट सही से दिसंबर की है लेकिन डेट नहीं पता चल रही खैर मुझे, लेकिन ये देखें बहुत ही अच्छा था। और ये बच्चे ने टोटल काम खुद किया और उसकी कलरिंग भी खुद की है, इससे पहले मोहम्मद घर में कलर नहीं करते थे, ये देखें जैसी भी कलरिंग है मोहम्मद ने खुद की है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल वाले अपने पास से एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें, लेकिन नहीं, उनकी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बहुत ही अच्छी है, जो उन्होंने मार्किंग की है बहुत अच्छी की है, एज ए कलरिंग एज ए राइटिंग जो भी है बहुत अच्छा किया है। एक मोहम्मद की ये मैथ की है, ये देखिए इधर इसके मोहम्मद के है 6 आए हैं मार्क्स इसके 10 out of 6। अच्छा ये भी दिसंबर में की गई है इसकी, इसमें कलरिंग करने थे, उन्होंने बताया था कि रेड में कौन सा 1 में जो है जहाँ पे 1 है, जैसे ये 1 है तो इसमें रेड कलर करना है, 2 में उन्होंने कहा है कि ग्रीन कलर करना है, 3 में है उन्होंने ब्लैक करना है, 4 में येलो, 5 में पिंक करना है, इस तरह ये करके वर्कशीट की गई। और ये बड़ी अच्छा और मज़े का काम है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का काम है। चले इसके अलावा ये जो है ये क्या है, अप एंड डाउन ये इस तरह की कुछ चीज़ें दी गई है, लाइट एंड वेट, जैसे कि ये डाउन है ये अप है, ये डाउन है ये अप है, ये अप है ये डाउन है, इस तरह करके ये वर्कशीट इनकी बनाई गई है। और इस वर्कशीट में भी मोहम्मद ने 8 में से 6 लिया और उसको गुड मिली है, तो ये बहुत ही अच्छा माशाल्लाह इसका मोहम्मद का जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इधर इन्होंने एक्सीलेंट भी दिया हुआ है इस वर्कशीट पे, ये इसकी जनवरी की 30 तारीख की है, हाँ जी, और इसमें 5 out of 5 लिए, ये देख लें बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये उन्होंने समर पैक दिया था कि समर पैक में आपने जो है कब मतलब समर पैक जो बच्चों को छुट्टियाँ सॉरी समर पैक विंटर पैक जिसको बोलते हैं, तो ये विंटर पैक में उनका दिया था कि ये आपने विंटर पैक में ये वाला वर्क करना है, तो ये उनका मोहम्मद ने किया है काम, ये मैंने सारा इसको खुद करवाया था, ये कलरिंग वगैरह भी ना बड़ी अच्छी थी की हुई है इसने। और ये देखे अब ये इसके मोहम्मद के जो इन दिनों में पेपर्स हुए हैं ये उन्होंने टोटली पेपर्स दिए हैं, अलिफ बे उन्होंने अलिफ से ये तक जो है इसमें मोहम्मद के 40 out of 36.5 इसके हैं मोहम्मद के मार्क्स, ये देख लें, क्योंकि ये उन्होंने बिल्कुल इसके ये देखें अकॉर्डिंग किया।
तो बहुत अच्छा मुझे इनका काम लगा स्कूल वालों का, क्योंकि स्कूल बिल्कुल नया बना था जिधर मैंने अपने मोहम्मद का जो है एडमिशन करवाया है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से ना। ये देखिए ये कटिंग इसकी मोहम्मद की कोई मज़े की नहीं हुई, तो उस हिसाब से इसके फिर मार्क्स भी कटे मोहम्मद साहब के। ये देखें ये इसकी इंग्लिश में है और इंग्लिश में 40 में से 32.5 आए इसके, ये इसके मार्क्स हैं मोहम्मद के। और ये उन्होंने कहा था कलर द बिग ऑब्जेक्ट, जो बड़ा ऑब्जेक्ट उसको कलर करना है, और सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, कलर द ऑब्जेक्ट येलो, मतलब इनको येलो कलर करना है। और ये एक था इनका रफ कलरिंग, ऊपर उन्होंने दी हुई है कि कलरिंग के मार्क्स जो है मोहम्मद के वो कटिंग की हुई है, लेकिन उनका बहुत ही अच्छा, मतलब फिर भी मैं कहूँगी 2 माह में एक बच्चा कितना पिक कर सकता है, उसके हिसाब से मोहम्मद ने माशाल्लाह अपनी बुक्स जो है वो टोटली कवर की हैं मोहम्मद ने। और ये मोहम्मद के 81.43 इसके ग्रेड है मोहम्मद का जो है परसेंटेज जिसकी आई है, और 210 में से 171 मोहम्मद ने लिए है, और इसमें उन्होंने यूनिफॉर्म के मार्क्स दिए हैं। अच्छा उन्होंने इधर यूनिफॉर्म के का भी ज़िक्र किया है और एक्सीलेंट दिए हैं उनको मोहम्मद की परफॉर्मेंस पे ओवरऑल जो भी है। जॉइनिंग आफ्टर मिड, मतलब मिड टर्म के बाद जो थर्ड वाला टर्म था उसके एंड वाले 2 मंथ में मोहम्मद का एडमिशन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मैं कहूँगी प्लीज़ आप सब लोग भी मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि वो बहुत इससे भी ज़्यादा अच्छे और गुड जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। अब मोहम्मद नर्सरी क्लास में होंगे तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है मोहम्मद की ये जो अचीवमेंट है 2 मंथ की जो इसकी अचीवमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। साथ में उन्होंने बच्चों के इनकरेज करने के लिए उन्होंने एक बच्चों को ना ये इस तरह का एक मेडल भी दिया। मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूँ, प्लीज़ मोहम्मद मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़।